हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं गर्मा गर्म पनीर टिक्का बना रही हूँ, जिसे आप बिना तंदूर के घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। न्यू ईयर के अवसर पे कोई पिकनिक पार्टी हो या फिर सर्दियों में गर्मा गर्म कुछ खाने का मन है तो बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। इसके लिए सबसे पहले मैं शिमला मिर्च को चौकोर काट ली हूँ, साथ ही मैं बड़े बड़े प्याज थे जिसको मैं 4 टुकड़ों में काट के एक एक लेयर अलग कर ली हूँ, और टमाटर को भी मैं चौकोर काट ली हूँ और उसका बीज निकाल ली हूँ। इस तरीके से प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च का बड़ा बड़ा चौकोर चंक्स बना लेंगे। अब मैं एक बॉल में 2 चम्मच दही ऐड कर रही हूँ जो कि फ्रेश है। इसमें मैं 1 चम्मच चाट मसाला, 1/2 छोटी चम्मच काला नमक, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच नमक, 1/3 तीखापन के लिए इसमें 1/2 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और 1 चम्मच मैं यहाँ पे कसूरी मेथी जिसको हाथों से अच्छे से क्रश करके ऐड कर रही हूँ। अब मैं इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। अब मैं इसमें 2 चम्मच भुना हुआ बेसन ऐड कर रही हूँ। एक पैन में 2 से 3 चम्मच सरसों का तेल जिसको मैं धुआं छोड़ने तक गरम कर ली हूँ और उसको ठंडा कर ली हूँ। अब मैं उस तेल को पनीर टिक्का मसाला में ऐड कर रही हूँ और अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। अब मैं मसाले में चौकोर कटा हुआ प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च, साथ ही मैं यहाँ पे 200 ग्राम पनीर ली हूँ जिसको चौकोर काट ली हूँ। सारी चीज़ों को मसाले में अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट तक रेस्ट करने के लिए रख दे रही हूँ। दस मिनट हो गए सब्जियों को और पनीर को मैरिनेट किए हुए। अब मैं इसे एक स्टिक में पिरो ले रही हूँ। इसमें मैं 1 शिमला मिर्च, साथ ही मैं 1 पनीर का टुकड़ा और साथ ही 1 प्याज का टुकड़ा सीख में पिरो रही हूँ। इसी तरीके से मैं सभी पनीर और सब्जियों को सीख में पिरो के तैयार कर ले रही हूँ। आप चाहे तो इसे लोहे के स्टिक में या फिर बाज़ार में बहुत ही आसानी से स्टिक मिल जाता है, उसमें उसका यूज कर सकते हैं। और जो हमारा तंदूरी मसाला बच गया है उसको मैं सारे पनीर और सब्जियों पे अच्छे से लगा दे रही हूँ। अब मैं एक ग्रिल पैन को गरम कर ली हूँ और मैं उस पे 1 चम्मच बटर और साथ ही मैं 1 चम्मच तेल ऐड कर रही हूँ जिससे कि हमारा बटर जले नहीं, और पैन में अच्छे से फैला ले रही हूँ। फ्रेंड्स, हमारे ग्रिल पैन का अच्छे से ग्रीसिंग हो गया है। अब मैं उस पे स्टिक किया हुआ पनीर टिक्का रख के उलट पुलट के दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कर ले रही हूँ। इसे हमें मीडियम टू लो फ्लेम पे ही पकाना है। फ्रेंड्स, इसे बनाने में हमें 5 से 6 मिनट लग जाएंगे क्योंकि मैं इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे बना रही हूँ। इसको मैं उलटते पुलटते रह रही हूँ जिससे कि ये चारों तरफ से बराबर कुक हो। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारे टिक्का पे कितना अच्छा कलर आने लगा है। इसी तरीके से मैं 2 मिनट और इसको पका ले रही हूँ। अब हमारा पनीर टिक्का बनके तैयार है। इसे मैं थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर देने के लिए सीधे गैस पे सेक ले रही हूँ।
जिससे कि हमारे पनीर टिक्का में स्मोकी फ्लेवर आएगा और ऐसे लगेगा कि तंदूर पे पकाया है। एक एक करके सेकने के बाद हमारा पनीर टिक्का बनके अब तैयार है। अब मैं इसे हरी चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अगर आपके पास ग्रिल पैन नहीं है तो आप इसे नॉर्मल लोहे के तवे पे भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस न्यू ईयर इस पनीर टिक्का का रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करिए। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।